केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों को राज्य की राजधानी रांची नहीं छोड़ने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए 30 जनवरी यानी कि आज यानी मंगलवार को एक बैठक में हिस्सा लेने को कहा गया है। JMM के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आवास में प्रस्तावित बैठक मौजूदा राजनीतिक स्थिति और ईडी की तरफ से 31 जनवरी के दिन यानी बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रस्तावित पूछताछ को लेकर रणनीति और चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। ईडी को भेजे गए ईमेल में सीएम सोरेन ने 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे अपने आवास पर अपना बयान दर्ज कराने पर सहमति जता दी है। JMM महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने बताया कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश जारी किया गया है। झामुमो, कांग्रेस और RJD सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य दल हैं। विनोद कुमार पांडे ने कहा कि वे भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए 30 जनवरी यानी कि आज मंगलवार को मिलेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री रांची लौट आए हैं, विनोद कुमार पांडे ने बताया कि अन्य भिगता जताई। दिल्ली में सोरेन के आवास पर ईडी की टीम के दौरे के मद्देनजर सत्तारूढ़ दल के विधायक 29 जनवरी सोमवार को देर रात तक मुख्यमंत्री के आवास पर मौजूद थे। बता दें कि इन सभी के बीच झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने के मद्देनजर राज्य की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही वो समय आने पर फैसला करेंगे कि आगे करना क्या है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।